और इसका किस्सा भी सभी जानते हैं कि कैसे जब आजम खान की भैंसें खो गई थी तो पूरी पुलिस उसको ढूंढने में लग गई थी। खैर ये अलग मसला है, रुक कर लेते हैं अगले उम्मीदवार का। समाजवादी पार्टी की रानी पक्षलिका सिंह यहां से चुनाव मैदान में है। सीमा उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार है, पिछली बार वो यहीं से जीती भी थी। और किरण चौधरी हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। ये बात हुई उम्मीदवारों की। अब जरा फतेहपुर सीकरी के जातीय समीकरण को भी समझ लेते हैं जो हमारे सामने अब आने वाला है। और ब्राह्मण यहाँ पर मतदाता है 3 लाख, ठाकुरों की संख्या है 2.5 लाख, जाट हैं 2 लाख, जाटव हैं 2 लाख और अन्य, जैसा हमने आपको बताया कि तमाम लोगों की जो श्रेणी है उसको हमने अन्य में डाल दिया है। 4.5 लाख इन लोगों की तादाद है जो अलग अलग संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस ग्राफिक प्लेट के जरिए सबको उस सेगमेंट में बांटना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लिहाजा हमने अन्य की श्रेणी यहाँ पर क्रिएट की है। और फतेहपुर सीकरी 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर भी आती हैं, 4 BSP के खाते में है और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में। तो इस नजरिए से कहा जा सकता है कि BSP का स्ट्रांग होल्ड यहाँ पर है, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार के किशनगंज सीट की अब हम बात करेंगे। यहाँ से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल BJP के उम्मीदवार हैं, मौलाना असरारुल हक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अख्तरुल इमाम यहाँ से JDU के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद नौशाद हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और अलीमुद्दीन अंसारी हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। उम्मीदवारों की हमने बात कर ली। यहाँ का जातीय समीकरण भी अब देख लेते हैं जो पाई चार्ट के जरिए अभी आपके सामने आएगा। ये है जातीय समीकरण और हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिमों की खासी तादाद है, लेकिन मुस्लिमों में भी यहाँ पर सेगमेंटेशन है, लिहाजा हमने आपको उसी नजरिए से चीज़ों को आपके सामने रखा है। यहाँ पर सूरजपुरी मुस्लिम 6 लाख हैं, शेरशाहवादी मुस्लिम यहाँ पर 2.5 लाख हैं, कुल्हैया मुस्लिम यहाँ पर 1 लाख हैं, हिंदू यहाँ पर 4 लाख हैं और एक यहाँ पर पश्चिम मुस्लिम है, वो उनकी संख्या भी 50,000 है। और भी यहाँ पर जातियों के लोग हैं, लेकिन सबको यहाँ पर समाहित करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लिहाजा जो मोटे मोटा आंकड़ा है वो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ की विधानसभा सीटों की। 6 विधानसभा सीटें आती हैं इस किशनगंज सीट के अंतर्गत। BJP के खाते में 2 हैं, कांग्रेस के खाते में 2 हैं और LJP के खाते में 1 सीट है। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर तोला जाए तो इवनली पॉइज्ड इसको कहा जा सकता है कि मामला है। और ये बात कर लेते हैं धनबाद की। राजकुमार सिन्हा यहाँ से BJP के उम्मीदवार हैं, मनन मलिक कांग्रेस के, अवध किशोर सहाय झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और कुमार कौशल हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। अब धनबाद का जातीय समीकरण भी देख लेते हैं। धनबाद का जातीय समीकरण आपके सामने है। मुस्लिम 3.25 लाख, महतो 3 लाख, ब्राह्मण 2.25 लाख, राजपूत 1.5 लाख, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या यहाँ पर 2.25 लाख है। इसके अलावा भी और भी श्रेणियाँ हैं और उनकी भी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है, लेकिन मोटे तौर पर ये प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम रुख करते हैं धनबाद के विधानसभा सीटों का समीकरण क्या कहता है जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके आधार पर। JVM के पास यहाँ पर 2 सीटें हैं, BJP के पास 1 है और कांग्रेस के पास 1 सीट है यहाँ पर। तो ये 4 सीटों का लेखा जोखा है, 2 सीटें यहाँ से अन्य के खाते में गई थी। तो ये है पूरा लेखा जोखा उन 4 सीटों का जो हमने आपको जातीय समीकरणों के लिहाज से, उम्मीदवारों के नजरिए से और विधानसभा चुनाव के नतीजे थे उसके नजरिए से आपको हमने बताया। हम एक बार फिर से रुख करते हैं सीधे राष्ट्रीय जी का, जो आज के मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद अनंत। तो अनंत ने हमें बताया उन 4 अहम सीटों का अंकगणित, सियासी अंकगणित, जिसकी हमने आज बातचीत की। और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि आज मुद्दा है कि कैसे 2 सियासी परिवारों के चिरागों ने ही उन दलों के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। एक परिवार है समाजवादी पार्टी का परिवार यानी यादव परिवार, और दूसरा परिवार है देश का परिवार जिसे कहा जाए कांग्रेस का परिवार, गांधी परिवार। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई अक्षय यादव पर पुलिस वालों को पिटने का आरोप लगा है। अक्षय अखिलेश के चचेरे भाई हैं और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी। दरअसल अक्षय बटेश्वर मंदिर से वापस लौट रहे थे और उनके साथ गाड़ियों का बड़ा काफिला और समर्थकों का हुजूम था। रास्ते में पुलिस वालों ने अक्षय का काफिला रोककर परमिशन लेटर मांगा, जिसे बौखलाए अक्षय और उनके समर्थकों ने पुलिस वालों से मारपीट शुरू कर दी। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। चोट के निशान और इनके शरीर पर लगी पट्टियाँ ये गवाही दे रही थी कि आगरा के पार अखिलेश के भाई और उनके समर्थकों ने क्या किया है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या इन्हीं चिरागों की वजह से ऐसे बड़े दलों के सियासी भविष्य पर आग लग जाता है। और अब हम आपको सुनाते हैं कि आगरा के पास बटेश्वर में मारपीट में घायल हुए पुलिस के जवानों का क्या कहना है। हम
चेकिंग कर रहे थे, बटेश्वर की ओर से गाड़ी आ रही थी, सपा का झंडा लगा था, हमने उन्हें रोका, गाड़ी की परमिशन के बारे में पूछा, झंडा का परमिशन है या नहीं जी। इतने पर वो लोग निकले, उन्होंने से मारपीट शुरू कर दी, पूरी टीम को मारा है, राइफल छीनने का पूरा प्रयास किया गया है, पब्लिक के सहयोग से राइफल बड़ी मुश्किल से बचाई। उनकी गाड़ी आ रही बटेश्वर से, हमने उन्हें रोका जी, झंडे की परमिशन के बारे में जानकारी की, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, राइफल छीनने का पूछे बिना पूछे क्या क्या किया हो, मारपीट शुरू कर दी, बहुत मारा, कितने लोगों को मारा है, पूरी टीम को मारा था, पूरी टीम को मारा है। तो ये थे पुलिस वालों के बयान, और जाहिर होता है कि जब घर के चिराग ही ऐसा करेंगे तो विरोधी तो सवाल पूछेंगे ही। इस वक्त मुद्दा हमारा यही है कि क्या घर के चिरागों की वजह से ही दो बड़े सियासी दलों के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र होंगे स्टूडियो से, और साथ ही अनंत भी इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहेंगे ताकि वो हमें बीच बीच में ये समझा सकेंगे कि किस तरह से इन दोनों ही परिवार के चिरागों ने कब कब क्या क्या ऐसा किया जिससे इन दोनों ही दलों के सियासी भविष्य पर आज विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। सीधे सिद्धार्थ जी आपके पास पहले आऊँगी। यूपी में पहले भी मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को ताकीद किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहद ख़राब है, अब उनका एक दूसरा भतीजा इस तरह से कानून तोड़ता है, आपको नहीं लगता कि इस चुनावी माहौल में इस तरह के काम से ही हमेशा समाजवादी पार्टी को नुकसान होता रहा है? जी जाहिर सी बात है, फिरोजाबाद में पहले भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमले किया था, उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमिताभ ठाकुर के ऊपर, और उनको हटाया गया था। अक्षय यादव की राजनीति में एंट्री नई नहीं है, और बड़े उनके सामने चुनौती है अपने आप को स्थापित करने की। फिरोजाबाद का उपचुनाव समाजवादी पार्टी पिछली बार हार चुकी थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिरोजाबाद में 2009 में चुनाव जीते थे, उस सीट को उन्होंने खाली किया था। खाली करने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी वहां से चुनाव हार गई थी, कांग्रेस के राज बब्बर जीते थे। इस बार रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव की राजनीति में प्रवेश के लिए फिरोजाबाद सीट को चुना गया, जहां पर यादव मतदाताओं की तादाद काफी तादाद में है, और जाहिर सी बात है कि कहीं 2009 के बाद हुआ उपचुनाव अपने आप को दोहरा ना दे, इस वजह से एक तनाव की स्थिति है। और आज की जो घटना हुई है एक तरीके से ये दर्शाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हमारा राज है, और हमें रोकने की और हम पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक पॉलिटिकल एरोगेंस को दर्शाता है आज का जो व्यवहार किया है, किसी तरह के चुनावी आचार संहिता को ना मानते हुए। तो ये साफ साफ कानून व्यवस्था पर पहले से भी सवाल खड़े हो रहे थे, आज फिर उन सवालों को और पुख्ता मजबूती दी है आज के व्यवहार ने, जो वहाँ के संसदीय क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अक्षय यादव। जी बिल्कुल, जब घर के चिराग ही ऐसा करेंगे तो विरोधी तो सवाल पूछेंगे, और जैसा कि सिद्धार्थ कलहंस जी ने भी बताया हमें कि इस पूरे पॉलिटिकल एरोगेंस जो दिखाया है अक्षय यादव ने, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। एपीएन संवाददाता अभिषेक पांडे ने यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी से भी इस बारे में खास बातचीत की, वो आपको पहले सुनवाते हैं फिर चलेंगे इस पूरे मसले पर।